फिर से आपका स्वागत है निर्मल सरीश ब्लॉग में। इस वक्त हम जा रहे हैं देहरादून और देहरादून का मौसम थोड़ा दिल्ली से बेहतर है। दिखाते हैं देहरादून, मसूरी, और मसूरी में सीनिक व्यू। आप हमारे साथ बने रहो और देखो मसूरी के नज़ारे। देहरादून का रास्ता एकदम मस्त, दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीनरी बहुत होती है। सही में ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए चलते चलो। रश नहीं है ज़्यादा, वर्किंग डे है तो रश तो नहीं है। ये है मसूरी का व्यू, 5 किलोमीटर दूर है। क्या नज़ारा है यहाँ आके यही नज़ारे कैप्चर करो, मज़ा आ जाता है। देखो तो कैसे पेड़ हरे, एकदम ग्रीन, लश ग्रीन जिसको बोलते हैं। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे से झाड़ियाँ, आपको दिखते हैं। अब तो ऐसे हो गया है पूरा ही बसा हुआ, पूरा पहाड़ कहते हैं ना, ऐसे बस गया। वो सड़क दिख रही है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ जाने और ये पहुंच गए मसूरी। मसूरी के ऊपर से आप देखिए अब नीचे का व्यू, वो छोटी छोटी गाड़ियां दिख रही हैं, वो क्या नज़ारा दिखता है। ऊपर से पूरा देहरादून सिटी ऊपर से दिखाई देता है और ये थोड़ा थोड़ा बसा हुआ नीचे, स्टेप फॉर्मिंग भी है। और मसूरी देखो कैसे बसा हुआ है, बिल्कुल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का नजारा एकदम मस्त। मसूरी की हवा ही है जो खींच के ले जाती है ऊपर। टेम्परेचर था बिल्कुल डाउन, रात का करीब 8 डिग्री, लेकिन डे टाइम में मस्त हवा, ठंडी ठंडी, नज़ारा बढ़िया। और देखो ऊपर चांद, फुल मून है, कल हनुमान जयंती है और चांद पूरा चमका हुआ। टूरिस्ट भी काफ़ी मसूरी में इस वक्त है, अब तो हर टाइम पे ही टूरिस्ट होता है, आप जब मर्जी पहुंच जाओ। देखो जी भीड़ भाड़, और ऊपर गन हिल वाला एरिया है ये। और रात का नज़ारा कुछ अलग, फाउंटेन लग गए हैं अब बीस चौक में, तो लाइट शो फाउंटेन शो होता रहता है रात को, सब इसी का मज़ा लेने के लिए रुक जाते हैं आसपास, क्योंकि झूले हैं। हमने भी फाउंटेन का मज़ा लिया, कुछ फोटोज़ खिंचवाई, रील बनाई। सामने ही लगे हुए हैं झूले, ये देखो, और झूले बच्चे खूब मजा लेते हैं यहाँ। और पूरा चकाचौंध करने वाला नज़ारा, इसलिए मैक्सिमम लोग वहाँ खड़े होके अपना वीडियो और रील बनाने में लगे हुए हैं। चले वापसी, और रास्ते में आता है ये प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जिसके दर्शन तो बहुत ज़रूरी हैं, इसकी बहुत मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है ये। और यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ लिखा होता है पैसे चढ़ाना सख्त मना है,
क्योंकि ये प्राइवेट मंदिर है। मंदिर में महाकाल के दर्शन किए, मज़ा आ गया। ये स्फटिक शिवलिंग सामने है, अभी श्रृंगार चल रहा है और मंदिर के दर्शन करके आशीर्वाद लिया, शिवलिंग पे अभिषेक किया, जल चढ़ाया। मंदिर में आके एक अलग ही तरह की वाइब्स आ जाती हैं, मन एकदम शांत। सभी लोग जलाभिषेक करने में लगे हुए हैं, हमने भी आनंद उठाया और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में जो भी यात्री मसूरी जाते हैं या वापस आते हैं, ज़रूर दर्शन के लिए आते हैं। वापसी में हरिद्वार बिल्कुल नहीं भूले गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पूर्णमासी हनुमान जयंती, तो गंगा मैया के दर्शन तो बहुत ज़रूरी हैं। मंदिर में दर्शन किए, थोड़ा सा पंच स्नान हमने भी कर लिया गंगा मैया में। ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ जाता है। एक बार तो सब लोग लगे थे नहाने में, लेकिन हमने ऐसे ही पंच स्नान से खुद को तृप्त कर लिया। ये है आरती के समय का नज़ारा, कितना रश, कोई जगह आपको खाली नहीं दिखेगी। हर घाट हर ब्रिज भरा हुआ, उसके बाद वापसी दिल्ली की ओर। सुबह सुबह निकल पड़े वापस, अच्छा किया सुबह निकले क्योंकि कोई रश नहीं। आराम से दिल्ली में प्रवेश, अपनी दिल्ली। छोटा ट्रिप लेकिन बढ़िया रहा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई जगह पे। देखते रहिए निर्मल सरीश ब्लॉग।